क्या हुआ, यहाँ जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो वहाँ वैकुंठ में अचानक से भगवान नारायण की पीठ में खुजली होने लगी। बोलो राधे राधे। तो भगवान अपना हाथ ले गए खुजली करने के लिए, तो भगवान का हाथ नहीं गया। कई बार होता ना पीठ में ऐसी जगह खुजली हो जाए कि हाथ ही नहीं जाता है, तो लक्ष्मी जी से कह रहे, देवी लक्ष्मी देखो तो हमारी पीठ में खुजली हो रही है, थोड़ा हमारी पीठ को खुजा दो। तो लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, वो तो सदा कैंकर्य में ही रहती हैं भगवान के लक्ष्मी जी। तो तुरंत लक्ष्मी जी तैयार हुई भगवान की पीठ को खुजाने के लिए, लेकिन जैसे ही पीठ खुजाने के लिए गई तो लक्ष्मी जी ने देखा कि ठाकुर जी तो कमल से भी ज़्यादा कोमल हैं। लक्ष्मी जी ने कहा यदि इनको मैं अपनी उंगली से भी खुजली करूं तो कहीं इनको घाव ना हो जाए, इतने कोमल हैं ये। तो डरते डरते लक्ष्मी जी ने क्या किया, अपने हाथों की छाया से लक्ष्मी जी भगवान की पीठ पर खुजली करने लगे। अब कहीं छाया से खुजली मिटे? भगवान ने कहा अरे देवी लक्ष्मी क्या करती हो, जरा ठीक से खुजली करो ना, बहुत खुजली हो रही है। तो डरते डरते ऐसे दूर से मानो स्पर्श हल्का सा करके फिर खुजली की। तो ठाकुर जी को गुस्सा आ गई, क्या लक्ष्मी तुमको एक काम का खुजली करने का, वो भी तुम ठीक से नहीं कर पा रही हो, अरे थोड़ा ठीक से करो ना, नाखून लगा कर थोड़ा। अब जिसको स्पर्श करने में भी भय लग रहा हो उससे कहो कि नाखून से करो। अब तो लक्ष्मी जी को भी गुस्सा आ गई, देखो हमारे ठाकुर जी भगवान के भक्तों के लिए तो भगवान कमल से भी ज़्यादा कोमल हैं, और दुष्टों के लिए हमारे ठाकुर जी वज्र से भी ज़्यादा कठोर हैं। तो लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गई। लक्ष्मी जी ने कहा जाओ मुझसे नहीं मिटती है तुम्हारी खुजली, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है ना, आपको नहीं मानते हो तो जाओ ऐसा करो किसी पत्थर से या किसी पर्वत से जाके अपनी पीठ को रगड़ लो तो तुम्हारी खुजली मिटेगी। और उसी समय ये देवता लोग भी आ गए कि महाराज हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, एक पंथ दो काज, देवताओं का काम भी बन जाएगा और हमारे पीठ की खुजली भी मिट जाएगी। इसीलिए भगवान ने कूर्मश स्वरूप धारण किया है। कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े विशाल मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण करना ये भगवान के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, ये तो पीठ पर जैसे खुजली मिटाने जैसा छोटा सा काम था हमारे ठाकुर जी के लिए। हमारे ठाकुर जी तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं परमात्मा। भगवान ने कूर्मश्वरूप धारण किया है।